इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज के छात्र छात्राओं के डांस पार्टी की कुछ विवादित तस्वीरें और वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये फ्रेशर्स पार्टी के बताए जा रहे हैं, जबकि कॉलेज प्रबंधक ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। छोटे छोटे कपड़े पहनी छात्राएं इन वीडियो में कॉलेज के छात्रों के साथ आपत्तिजनक डांस करती दिख रही है। छात्र नेता की शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन ने वीडियो में नजर आ रहे कॉलेज के छात्र छात्राओं को नोटिस जारी किया। मामला पुलिस तक भी पहुंचा है। आपको बता दें, कॉलेज में ऑफलाइन क्लास तो शुरू हो गई है, लेकिन अन्य गतिविधियों को लेकर अभी भी कई तरह की पाबंदियां हैं। किसी भी स्तर पर सार्वजनिक आयोजन और इस तरह की पार्टियों पर रोक है। इन छात्र छात्राओं ने फ्रेशर्स पार्टी के लिए कॉलेज प्रबंधक से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्राचार्य डॉक्टर सुरेश सिलावट ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए इस तरह के आयोजन से साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद कॉलेज के कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर पार्टी की प्लानिंग की और फिर पब में पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इन तस्वीरों में छात्र छात्राएं बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपत्तिजनक डांस भी करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधक द्वारा अनुमति नहीं देने के बावजूद ये पार्टी आयोजित की गई। कॉलेज प्रबंधक ने वीडियो में नजर आ रहे छात्रों की पहचान करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। इसके अलावा इन छात्र छात्राओं के अभिभावकों को भी प्रबंधक ने तलब किया है। एक छात्र नेता इस पूरे मामले की शिकायत कॉलेज प्रशासन से की है। इसके अलावा पुलिस में भी शिकायत की गई है। कॉलेज प्रबंधक ने भी पुष्टि की है कि वीडियो में दिख रहे युवक युवतियां उनके कॉलेज के ही छात्र छात्रा हैं। प्रबंधक ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की गतिविधि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर प्रबंधक ने ये पार्टी आयोजित करने वाले छात्रों से जब जवाब तलब किया तो छात्रों की ओर से कार्यवाही नहीं करने के लिए कॉलेज प्रबंधक पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। कॉलेज साइंस ऑफ कॉलेज ने स्पष्ट किया कि चूंकि पार्टी कॉलेज परिसर में नहीं हुई, इसलिए उन्होंने सीधा एक्शन नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह के वीडियो है इसके बाद ये कार्यवाही करना जरूरी था। यस सर, होलकर कॉलेज के कुछ वीडियो सामने आए हैं छात्र छात्राओं के डांस करते हुए, फ्रेशर्स पार्टी बताई जा रही है, इसको लेकर सर क्या स्थिति है? क्या कॉलेज की तरफ से अनुमति नहीं मिली और अब कॉलेज क्या कार्रवाई करने जा रहा है इनके ऊपर? कॉलेज इस तरह की कोई भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं देता है और मुझे लिखित शिकायत प्राप्त हुई है एक नेता के द्वारा। उसमें 8 लोग अपराधी बताए गए हैं, उसमें से एक अभी वीडियो में देखा गया है, तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और साथ में यह भी लिखा गया क्यों ना आपको TC दे दी जाए। उसके फादर को भी बुलाया गया है और वो जितेंद्र दांगी है, उसके साथ 7 अपराधी और आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। उन सब के फॉर्म और वीडियो से चेक किया जा रहा है, वो लोग मौजूद थे गिनते, अगर वो मौजूद होंगे उन पर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो डांगी भी की गई। मुझसे किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई है। मैंने जितेंद्र दांगी को फोन करके जब मेरे को लिखित शिकायत प्राप्त हुई तो मैंने 11 बजे उसको फोन करके बोला कि बेटा कोई पार्टी बना रहे हो, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम तो यहीं कॉलेज में हैं और हम बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, मेरा कॉलेज कैंपस में नहीं होना चाहिए। बोले कॉलेज कैंपस में नहीं होगी। सर, ये जो वीडियो सामने आए हैं इसको लेकर जो शिकायत हुई, शिकायत में क्या कहा गया है? कुछ आपत्ति? भाई वीडियो तो अश्लील है, कोई भी माँ बहन बेटी के वीडियो इस तरह के नहीं आना चाहिए और कॉलेज में इस तरह की कोई घटना होगी इसको कॉलेज प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। सर, अब जो नोटिस जारी किया गया इसमें क्या जवाब मांगा जाए, उनको बुलाया जाए? कारण बताओ नोटिस तो सबसे पहले पूछना पड़ता है और वो नोटिस दिया गया है और नोटिस से जवाब आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसको लेकर ये पूरे मामले को लेकर कोई फोन वगैरह आ रहे हैं? हाँ, आज एक वकील का फोन आया था मेरे को, तो वकील साहब को हमने बता दिया है कि इस तरह की कार्रवाई में आप हस्तक्षेप ना करें, आपका हाथ जोड़ से निवेदन है कि मुझे सहयोग करें, अगर आप प्रिंसिपल होते तो क्या करते, अगर अपनी बहन बेटियों के साथ इस तरह की कोई पार्टी बना के वीडियो लीक करें और उनको बदनाम करने की कोशिश करें तो इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वकील साहब ने माना है यह गलती हो गई। सर, ये जो कोविड की